और कितना स्कोर बनाते हैं, 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन या 6 रन, या राजा आउट कराने में कामयाब होते हैं तो 11 रन काफी फाइटिंग स्कोर होगा 6 बॉल पर। अभी भी अंतिम बॉल आने से दोनों लॉन्ग आउट क्षेत्र में भीड़ आते हुए और आउट, तो 12 रनों का लक्ष्य 6 बॉलों पर। लंका को मैच जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता, जबकि लंपी को 6 अच्छी बॉल करने की आवश्यकता। तो 2 मिनट का ब्रेक, जब तक टीमें चेंज होंगी। अब लंपी टीम में राजा, जबकि गेंदबाजी में लंपी के गेंदबाज सीताराम। राजे का ओवर की विकेट, सुपर ओवर की दूसरी पारी की पहली बॉल निकाल दिया, फाइनल खेल रहे बॉल इस विकेट की बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। आप बची हुई 5 बॉलों पर 8 रनों की आवश्यकता, बॉलों पर 8 रनों की आवश्यकता। सीताराम और वर्षा निकाल दिया है बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रनों के लिए, और मात्र 2 रनों की ओर आवश्यकता। तो यहाँ पर निश्चित ही अगर इस मैच को लंबरा जीतती है तो काफी भाग्यशाली टीम होगी, क्योंकि एक समय तो आसानी से लंबरा ये मैच हारती हुई नजर आ रही थी, पर लंबी के बल्लेबाजों ने गलतियां की और इस मैच में मौका बना दिया लंबरा के लिए। और अब 2 रन और चाहिए मात्र 4 गेंदों पर, मात्र 2 रनों की आवश्यकता, और 2 रन बनाओ और 500 रुपए का इनाम पाओ हमारे शंकर सिंह जी के द्वारा रखे गए हैं लंबरा टीम को। तो अब तो आसान सा लक्ष्य लग रहा है 4 बॉलों पर 2 रनों का, और इस बार लेकिन सबके बाहर हो रही है मैच, दूसरी बार टाई होता इस मैच को जीत लेगी और 500 रुपए की राशि भी जीत लेगी। और उठा दिया बॉल को और बॉल जाती है रोहन बाजी जान के बाहर, 6 रनों के लिए। तो मात्र 3 गेंदों में ही राजा ने इस मैच को लंबरा की झोली में डाल दिया, 2 छक्के और 1 चौके लगाए, और लंबरा के कप्तान टीम